व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू स्टे ट्यून गेमिंग। एंड आज हम करने जा रहे, नहीं मैंने वेलकम बैक गलत लगा दिया। एक महीने से तो मैंने वीडियो नहीं डाली है, तो ठीक है वेलकम बैक नहीं कहता, जस्ट वेलकम टू स्टे ट्यून गेमिंग। एंड आज हम करने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट का गेम प्ले। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, आज का हमारा मेन मोटिव होगा कि हम अपने एंचेंटमेंट रूम को डेकोरेट करेंगे। एंड डेकोरेट करने के लिए हम वहां पे एक आर्मर स्टैंड और ऐड करेंगे और थोड़ा सा रेडस्टोन का वायरिंग भी करेंगे। सो इस वीडियो में मजा आएगा। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। यहाँ पे मैंने दबाया एंड ये खुल गया, ये मेरा सीक्रेट रूम है। एंड अब ये है मेरा एंचेंटमेंट रूम। आर्मर स्टैंड नीचे है, अब ये ऊपर आ जाएंगे। मेरे को इसमें थोड़ी सी कमी लग रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रेशर प्लेट लगाऊं एंड यहाँ पे ये दोनों आर्मर और एक और आर्मर बाहर से निकल के आ जाए नीचे से। सो उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कैसे करते हैं। गाइज, यहाँ पे हम रेडस्टोन की अभी वायरिंग करेंगे, यहाँ नीचे से हमें करनी पड़ेगी। मैंने ऑलरेडी काफ़ी की हुई है क्योंकि मैंने ये पहले से बनाया हुआ था। एंड मेरे तो आइए दिया ये अभी आया है। यहाँ पे हम प्रेशर प्लेट लगाएंगे, तो प्रेशर प्लेट लगाने के लिए इसको तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे लगेगी हमारी प्रेशर प्लेट, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ओके, इस ब्लॉक को भी हटा देते हैं। यहाँ पे भी वायरिंग की हुई है, इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो फिर ये चलेगा नहीं। यहाँ पे हमने लगाया रेडस्टोन, यहाँ पे प्रेशर प्लेट, होप्स ये चल जाएगा, फिंगर्स क्रॉस। ओ नो गाइस, नहीं चला, कोई बात नहीं, हम दूसरी ट्राई करते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे कोबलस्टोन, शायद उससे वर्क कर जाए। कोबलस्टोन प्लेस नहीं हो रहा, आई गेस इस स्लैब को हटाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे लगाया कोबलस्टोन। एंड अब लगाएंगे हम प्रेशर प्लेट, लगी। अरे यार ये क्या है, ओके अब चल जाए वापस स्विंग द क्रॉस। ओपी गाइस, ये चल चुका है, काफी अच्छा लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ मैं पीछे एक और लगाऊंगा आर्मर स्टैंड, जैसे ये होर भी अच्छा लगेगा। एंड वो भी मैं गोल्ड का लगाऊंगा ताकि चेन, आयरन और गोल्ड तीनों का बन जाए। आई नो डायमंड का रहता है लेकिन डायमंड की कमी है थोड़ी सी, समझो। यहाँ पे हमने स्लैब्स लगा दी, काफी अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, अगर आपको ये एंचेंटमेंट रूम अभी देखने में अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। वैसे अभी हमने यहाँ पे काफ़ी काम करना है, ख़त्म नहीं हुआ है अपना। गाइस मैंने सारी अरेंजमेंट्स कर दी हैं, मेरे पास आर्मर है एंड और भी सारी चीज़ें, आर्मर स्टैंड भी। अब यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा पिस्टन, पिस्टन और वायरिंग भी देखते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे पिस्टन लगाया एंड इसके ऊपर आर्मर स्टैंड। गोल्ड का काफ़ी अच्छा लगेगा, मेरे को गोल्ड का डायमंड से भी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है। नेदराइट इज द बेस्ट। एंड लग ही नहीं रहा गाइस, यहाँ से लगा के देखते हैं। ओके लग गया, पहले ये थोड़ा सा टेढ़ा लग गया था, इससे मैंने हटा दिया। ये मेरी मेंडिंग वाली लेगीज, हेलमेट, चेस्ट प्लेट एंड शूज, सब कुछ लग चुका है। अब वायरिंग करने की बारी है, वायरिंग। लेकिन हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से तो होनी मुश्किल है, एक बार ट्राई करके देख लेंगे। रेडस्टोन, रेडस्टोन को हम लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से जा रहा है कनेक्शन, तो शायद यहाँ पे लग जाए। नहीं, नहीं लग रहा।
हमें शायद अभी रिपीटर की जरूरत पड़ेगी, रिपीटर या कंपोस्टर। यहाँ से हम अच्छा निकाल सकते हैं, यहाँ नीचे से वो कनेक्शन पहुँचेगा वहाँ तक, यहाँ पे रिपीटर लगाने पड़ेंगे। सो अभी मैं रिपीटर लेके आता हूँ, तब तक के लिए गैस मैं कंपोस्टर लेके आ चुका हूँ एंड अब बस इसको लगाने की देरी है। हम अपना कंपोस्टर लगाएंगे यहाँ पे, इसको हटाया, इसको अब लगाया, ये क्या हो गया होना। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा तो फिर कनेक्शन अच्छे से नहीं होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। एंड अब इसको लगाया, ये मकड़ी बार बार हिश कर रही है जो भी इसका लिखाता है। एंड अब ये वर्क करना चाहिए। ओपी गाइस, क्या लग रहा है अपना ये एन्चेंटमेंट रूम, ये नीचे क्यों नहीं हो रहा। ओके, हो गया, थोड़ा सा टाइम लिया। ये लाइट ऑन करके देखते हैं क्या होता है, ये थोड़ा सा लेट आया। ओपी गाइस, मेरे को तो ये काफी अच्छा लगा। अब बस इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की जरूरत है और यहाँ पे स्लैब लगाएंगे ताकि ये वायरिंग सारी हट जाए। गाइस मैंने पास में क्या कहते हैं एक्सपी फार्म बनाया, तो एक्सपी फार्म में शायद स्पाइडर स्पॉन हो चुका है, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ें निकाल रहा है वो गंदी गंदी सी। इग्नोर कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे हमें लगानी होगी स्लैब, ये लगी, नाइस। मैं चाहता था कि मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को भी उठाऊं, लेकिन ये उठ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन इतना भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस अगर आपको ये एन्चेंटमेंट रूम अच्छा लगा देखने में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो प्लीज़ कॉमेंट में बताइए ताकि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आ सकूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।